Hello friends, today is World Psoriasis Day and so I want to put few words about psoriasis. Psoriasis एक chronic inflammatory और या autoimmune disease है जिसमें skin पर red patches होते हैं, itching रह सकती है, उन patches से white scales shed off होते हैं. बिकॉज ये क्रोनिक डिजीज़ है इसलिए इसका कंप्लीट क्योर बहुत ही मुश्किल होता है, हालांकि इसे कंट्रोल करना आसान होता है. सोरायसिस की एग्जैक्टली वजह हमें पता नहीं है, बट जिन लोगों में भी ये होता है काफ़ी लंबे समय तक रह जाती है. कभी कभी इसमें नाखून, सर की स्किन, स्कैल्प, कभी कभी जोड़ यानी जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जो कई बार काफ़ी पेनफुल भी हो सकते हैं. सोरायसिस का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है किस स्टेज में ये डिज़ीज़ है, कितने ज़्यादा निशान बॉडी के कितने परसेंट एरिया को कवर किए हुए है, पहले क्या क्या ट्रीटमेंट आपने लिया है, इन सारी चीज़ों पे इसकी ट्रीटमेंट डिपेंड करती है. सोरायसिस का खाने पीने या लाइफस्टाइल से भी सोरायसिस पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है. सो यह देखा गया है कि सोरायसिस जिन लोगों में होती है उन लोगों में लिपिड की एबनॉर्मलिटी, ब्लड प्रेशर की शिकायत या कभी कभी दिल की बीमारी वगैरह होने के चांसेस या डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. सो सोरायसिस में जिन लोगों को सोरायसिस है उन्हें अपनी डाइट पे हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए, रेड मीट वगैरह का कंजम्पशन कम करना चाहिए. देख कुछ स्टडीज़ में ये पाई गई हैं कि रेड मीट या फिर बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ों खाने से सोरायसिस एग्रीवेट हो सकती है. ओमेगा 3 फैटी एसिड, सेलेनियम, विटामिन डी रिच सोर्स, विटामिन डी की सप्लीमेंट्स, ये डाइट में इंक्लूड करने से या अलग से सप्लीमेंटेशन लेने से देखा गया है कि सोरायसिस में फ़ायदा मिलता है. धूप से कई बार सोरायसिस में फ़ायदा भी मिलता है, बट बहुत कम परसेंटेज सोरायसिस के ऐसे भी होते हैं जो धूप से रादर बढ़ सकते हैं. विंटर में यूजुअली सोरायसिस एग्रीवेट होता है, इसलिए विंटर में स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखें. सोरायसिस में जब भी ये पैच बने तो अर्ली स्टेज में ही ट्रीटमेंट करें ताकि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए. लाइफस्टाइल चेंज में वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज करने से फ़ायदा मिलता है.